तो बच्चों, सबसे पहले तो आपको सभी को गुड मॉर्निंग। और आज हम आपको जो छुट्टियां पड़ी हुई हैं कोरोना वायरस की वजह से, जो 10 दिन का अवकाश मिला है, तो इस अवकाश में आपकी जो तैयारी है वो निरंतर बनी रहे। और इस तैयारी के अंदर हम आपका कुछ सपोर्ट करेंगे कि आपको किस तरह से पढ़ना है, किस किस यूनिट को किस किस तरह से पढ़ना है, जो भी होगा हम आपको बता रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं BSc पार्ट फर्स्ट फिजिक्स की, जिसमें हमारा जो पेपर है विद्युत चुंबकीय की, तो उसके अंदर हम जो क्वेश्चन आते हैं वो तो हमारे पास आते हैं लगभग 80%, और जो 20% है वो आते हैं हमारे पास न्यूमेरिकल। लेकिन न्यूमेरिकल के अंदर भी हमारे पास ज़्यादातर उदाहरण जो होते हैं किताब के वही आते हैं, इसके अलावा हमारे पास एक्स्ट्रा कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आता। तो बात करते हैं फर्स्ट यूनिट की। तो फर्स्ट जो यूनिट है हमारी वो है अदिश और सदिश क्षेत्र। अदिश और सदिश क्षेत्र के अंदर जो परिभाषाएं हैं, यानी कि जो पहला क्वेश्चन आता है, पहले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास छोटी छोटी परिभाषाएं आती हैं। तो परिभाषा के अंदर हमारे पास सदिश क्षेत्र की परिभाषा, अदिश क्षेत्र की परिभाषा, अदिश क्षेत्र की प्रवणता, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, और जो डाइवर्जेंस है और करल है और जो ग्रेडियंट है, इन तीनों की परिभाषा पूछ सकता है। इसके अलावा परिभाषा में आपके कोई नया क्वेश्चन नहीं आएगा। और जो बड़े क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन के अंदर हमारे पास करल है और डाइवर्जेंस है और ग्रेडियंट है, तीन सबसे बड़े टॉपिक हैं इसमें, और इन तीनों टॉपिकों में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो न्यूमेरिकल होगा, यानी जैसे करल का क्वेश्चन आ रहा है तो करल का ही न्यूमेरिकल दिया जाएगा, ग्रेडियंट का क्वेश्चन आता है तो ग्रेडियंट का ही आपको न्यूमेरिकल दिया जाएगा। और इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास है जो घन कोण है, घन कोण में से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा फर्स्ट यूनिट में आपको कुछ भी पूछा जाएगा। बात करते हैं सेकंड यूनिट की। तो सेकंड यूनिट हमारे पास है स्थिर एवं गतिशील आवेशों के क्षेत्र, और इस के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, एक तो गोले को समावेशित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या का मान याद कीजिए। ये बड़े क्वेश्चन है हमारे पास। एक हमारे पास इसमें लाप्लास समीकरण के जो अनुप्रयोग हैं वो पूछे जाते हैं। एक नियत गतिशील वेग से गति करते हुए निर्देश तंत्र में विद्युत क्षेत्र का रूपांतरण समीकरण याद कीजिए, ये पूछा जाता है। इस तरह से हमारे पास इसमें बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छोटे क्वेश्चन जो है इसमें संभावना कम है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, जो आवेश की निश्चितता है वो इसमें परिभाषा के रूप में पूछी जा सकती है। एक हमारे पास जो रूपांतरण समीकरण है, केवल समीकरण भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन की केवल चिरसम्मत की त्रिज्या का मान पूछा जा सकता है, जो कि हमारे पास 1.69 हर्मी होता है। इसके अलावा हम बात करें यूनिट नंबर थर्ड की, तो यूनिट नंबर थर्ड हमारे पास है विद्युत पदार्थ में विद्युत क्षेत्र। और इस यूनिट के अंदर हमारे पास जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो हमारे पास है आवेश वितरण के आघूर्ण। और इसके अंदर हमारे पास परमाणिक एवं आणविक द्विध्रुव और उसके स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण के अंदर संबंध जो है वो पूछा जाता है। एक हमारे पास इसमें विद्युत ध्रुवण, विद्युत प्रवृत्ति, इनके अंदर संबंध पूछा जाता है। एक हमारे पास जो क्लासियस मोसोटी संबंध है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, क्लासियस मोसोटी संबंध और आवेश वितरण के आघूर्ण, इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दो है। अब उनको पढ़ के जाएं, अच्छे से तैयारी करें, लिख करके देखें, ठीक है। और यदि हम बात करें छोटे क्वेश्चन की परिभाषा की, तो परिभाषा इसके अंदर हमारे पास द्विध्रुव की परिभाषा पूछ सकता है, परावर्तितांक की परिभाषा पूछ सकता है, मुक्त आवेश और बद्ध आवेश क्या होते हैं इनकी परिभाषा पूछ सकता है, इसके अलावा विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग जो होते हैं इनकी परिभाषा पूछ सकता है, ठीक है। इसी प्रकार हम यदि हम बात करें यूनिट नंबर चार की, तो हमारे पास यूनिट नंबर चार है स्थिर चुंबकीय तथा पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र। और इस पार्ट में जो छोटे क्वेश्चन है वो हमारे पास है लॉरेंज रूपांतरण, सॉरी लॉरेंज बल है, और चुंबकीय क्षेत्र के गुणधर्म है, एम्पियर का नियम है, बायोसरट का नियम है, ये छोटे छोटे नियम पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर इलेक्ट्रॉन चक्रण तथा चुंबकीय चक्रण आघूर्ण पूछे जा सकते हैं। और यदि हम बड़े क्वेश्चन की बात करें, तो बड़े क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक तो एम्पियर का नियम और उसके अनुप्रयोग आते हैं, दूसरा
जो चुंबकीय सदिश है उसके द्वारा बायोसरट का नियम उत्पन्न करना और बायोसरट के नियम से जो चुंबकीय सदिश विभव उसको उत्पन्न करना सबसे महत्वपूर्ण होता है इसके अंदर। एक हमारे पास इसमें कक्षीय जायरोमैग्नेटिक क्वेश्चन है, उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय पारगम्यता, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता के मध्य जो संबंध है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। इस तरह से आप इनको पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे और तैयारी जो है वो छुट्टियों के अंदर करते रहें। इसमें बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे क्वेश्चन जो है इसमें संभावना कम है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं जो आवेश की निश्चितता है वो इसमें परिभाषा के रूप में पूछी जा सकती है। एक हमारे पास जो रूपांतरण समीकरण है केवल समीकरण भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन की केवल चिरसम्मत की त्रिज्या का मान पूछा जा सकता है जो कि हमारे पास 1.69 फर्मी होता है। इसके अलावा हम बात करें यूनिट नंबर थर्ड की, तो यूनिट नंबर थर्ड हमारे पास है विद्युत पदार्थ में विद्युत क्षेत्र, और इस यूनिट के अंदर हमारे पास जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो हमारे पास है आवेश वितरण के आघूर्ण, और इसके अंदर हमारे पास परमाणिक एवं आणविक द्विध्रुव और उसके स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण के अंदर संबंध जो है वो पूछा जाता है। एक हमारे पास इसमें विद्युत ध्रुवण, विद्युत प्रवृत्ति, इनके अंदर संबंध पूछा जाता है। एक हमारे पास जो क्लासियस मोसोटी संबंध है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लासियस मोसोटी संबंध और आवेश वितरण के आघूर्ण इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दो है, आप उनको पढ़ के जाएं, अच्छे से तैयारी करें, लिख करके देखें, ठीक है। और यदि हम बात करें छोटे क्वेश्चन की परिभाषा की, तो परिभाषा इसके अंदर हमारे पास द्विध्रुव की परिभाषा पूछ सकता है, परावर्धितांक की परिभाषा पूछ सकता है, मुक्त आवेश और बद आवेश क्या होते हैं इनकी परिभाषा पूछ सकता है। इसके अलावा विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग जो होते हैं इनकी परिभाषा पूछ सकता है, ठीक है। इसी प्रकार हम यदि हम बात करें यूनिट नंबर चार की, तो हमारे पास यूनिट नंबर चार है स्थिर चुंबकीय तथा पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र, और इस पार्ट में जो छोटे क्वेश्चन है वो हमारे पास है लॉरेंज बल है और चुंबकीय क्षेत्र के गुणधर्म है, एम्पियर का नियम है, बायोसरट का नियम है, ये छोटे छोटे नियम पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर चक्रण तथा चुंबकीय चक्रण आघूर्ण पूछे जा सकते हैं। और यदि हम बड़े क्वेश्चन की बात करें, तो बड़े क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक तो एम्पियर का नियम और उसके अनुप्रयोग आते हैं, दूसरा जो चुंबकीय सदिश है उसके द्वारा बायोसरट का नियम उत्पन्न करना और बायोसरट के नियम से जो चुंबकीय सदिश विभव उसको उत्पन्न करना सबसे महत्वपूर्ण होता है इसके अंदर। एक हमारे पास इसमें कक्षीय जायरोमैग्नेटिक क्वेश्चन है, उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय पारगम्यता, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता के मध्य जो संबंध है वो सबसे